आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक डायुरेटिक्स के कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। आइए अब कंपाउंड देखते हैं। एस्टाजोलामाइड अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कंपाउंड है। इट इज़ ए सल्फोनामाइड डेरिवेटिव विद डायुरेटिक एंटी ग्लूकोमा एंड एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज़। ये सल्फोना जो एसिटाजोलामाइड है ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव डायुरेटिक कंपाउंड है जो एंटी ग्लूकोमा और एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके ब्रांड नेम देख लेते हैं, एब्जोल, एसिटामाइड, एसिटामीन, डाइमोक्स इसके ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आर बिग डायुरेटिक विद द मेन साइट ऑफ एक्शन इन द पीसीटी ल्यूमन एंड सेल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ये बिग डायुरेटिक होते हैं और ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल पर एक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। ब्लॉकेज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज लीड टू डिक्रीज कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द सोडियम कार्बोनिक आयन को ट्रांसपोर्टर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये लीड करता है कार्बोनिक आयन और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए, रिजल्टिंग इन रिड्यूस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होता है कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और अपना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसका। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6N4O3H2 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 222.3 ग्राम पर मोल है। इट इज़ वाइट टू येलोइश वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट येलोइश वाइट महीन मतलब छोटे छोटे कण क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ आर्डरलेस और टेस्ट एंड टेस्टलेस, ये आर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 260.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्प्रिंगली साल्बुल इन कोल्ड वाटर, स्लाइटली साल्बुल इन एल्कोहल, इन साल्बुल इन क्लोरोफार्म, ये कोल्ड वाटर में साल्बुल होता है और एल्कोहल में, बट ये क्लोरोफार्म में इंसॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज कंडीशन देखें, डू नॉट स्टोर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। स्टोर इन द ओरिजिनल पैक इन द आर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इस देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एडिमा। हाइपरटेंशन में क्या बीपी बढ़ जाती है, एडिमा में क्या होता है सूजन आ जाती है हमारे बॉडी पे, तो उस सूजन को कम करने के लिए वाटर की वजह से सूजन आता है तो उस वाटर को कम करने के लिए हम एस्टाजोलामाइड यानी डायुरेटिक्स का यूज करते हैं। एडिमा, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, ग्लूकोमा जैसे डिजीज को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। यही यूज हम सभी कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो यूज है सभी कंपाउंड का ये कॉमन है, सब में एक ही है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ए सीरियस इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इम्बैलेंस इन बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। क्या होता है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सीरियस कंडीशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसमें ये सब क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है जिससे एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। ये हाइपरकैलेमिया नहीं हाइपोकैलेमिया होगा, ये गलत हो गया है। हाइपोकैलेमिया इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो पोटेशियम का अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, स्किन रेसेस यानी स्किन पे चखत्ते पड़ जाएंगे और ब्लड डिक्रियासिस, ये क्या होता है इसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें जो ब्लड कंपोनेंट हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसका डोज देखें तो 0.25 से 0.5 mg इन सिंगल डोज एज ए टेबलेट होती है इसकी। अगला कंपाउंड फुरसेमाइड देखते हैं। फुरसेमाइड इज ए सल्फामोलाइन थ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव आल्सो नोन एज फुरसेमाइड एंड पोटेंट लूप डायुरेटिक्स। ये सल्फामोलाइन थ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड होता है और ये लूप डायुरेटिक है क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करता है। इट हैज़ या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू थायजाइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थायजाइड के सिमिलर होता है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं, लेक्सिस, फ्यूरेसिम, फ्यूरेसिमिन इसका ब्रांड नेम है। इसका आईपीसी नेम देखते हैं, 4-chloro(N)-5-sulfamolen(3)-acid इसका आईपीसी नेम है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्लाइड पे शो हो रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H11Cl(N2O5SA). इसका मॉलिक्यूलर वेट 330.74 ग्राम पर मोल है। इट इज़ सॉलिड कलरलेस टेस्टलेस वाइट टू स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड कलरलेस टेस्टलेस
और येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्लाइटली साल्बुल इन वाटर, क्लोरोफाम है, वाटर और क्लोरोफाम में स्लाइटली साल्बुल होता है। साल्बुल इन एसीटोन एंड मेथेनॉल, एसीटोन और मेथेनॉल में ये फुली साल्बुल होता है। इसका स्टोरेज की बात करें तो इट्स शुड बी स्टोर्ड इन बेल क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। इसको बेड क्लोज कंटेनर और रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। इसका जो यूज है, एसिटाजोलामाइड हमने बताया है कि सारे कंपाउंड का जो यूज है वो कॉमन है। इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। क्या होता है कि जब हम इस डायबिटिक्स का यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ब्लड के वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है मसल वीकनेस, मसल वीक कमज़ोर हो जाएंगी और क्रैम्प्स यानी ऐठन होने लगेगा। कार्डियक अरेस्ट एंड इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इंट्रावेनस ले रहे हैं तो इसकी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। स्किन रेसेस, स्किन पर चखत्ते पड़ सकते हैं, नोजिया एंड डायरिया, लीवर एंड बोन मैरो चेंज, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। डोज की बात करें तो द यूजुअल इनिशियल डोज ऑफ लेसिक्स इज 20 to 80 mg गिवन एज अ सिंगल डोज। जो लेसिक्स का डोज है इसको 20 to 80 mg सिंगल डोज में देते हैं। ब्यूमेटानाइड देखते हैं, इट इज़ ए पोटेंट सल्फामोलेथ्रिनिलिक एसिड डेरिवेटिव बिलोंग टू द क्लास ऑफ लूप डायुरेटिक। ये सल्फामोलेथ्रिनिलिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि ये भी लूप डायुरेटिक यानी ये भी लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करता है। इसका ब्रांड नेम ब्यूमेक्स, ब्यूरिनेक्स इसका ब्रांड नेम है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 364.4 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H20N2O5। यस, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट इज़ सॉलिड आर्डरलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ये सॉलिड आर्डरलेस टेस्टलेस और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। स्टोरेज सेम है, स्टोर इन बिल्कुल और कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्राम लाइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, लूप डायुरेटिक्स आर पावरफुल टाइप ऑफ डायुरेटिक्स दैट वर्क बाई इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या होता है, जो हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें जो लूप ऑफ हेनले, थिक लूप ऑफ हेनले था, तो उस पर एक्ट करके क्या करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट कर देता है और अपना ये एक्शन शो करता है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के साथ में वाटर भी निकल रहा था तो ये क्या करेगा, उसी को जब इनहिबिट कर देगा तो जो यूरिस डायूरिसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके यूज़ देख तो यूज़ सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एडिमा, यूरिनरी फेलियर, हार्ट फेलियर, ग्लूकोमा, सेम यूज है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, मसल्स वीकनेस, क्रैम्प ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ये भी एडवर्स इफेक्ट्स में भी सेम ही है। जिसका हम लोग एसिटाजोलामाइड का एडवर्स इफेक्ट देखे थे वैसे ही है। कार्डियक अरेस्ट ऑन द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इंट्रावेनस दे रहे हैं तो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। स्किन रेसेस, स्किन पे चखत्ते, नाउजिया, डायरिया, लीवर एंड बोन मैरो चेंजेस, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। क्लोरथायलिडोन, इट इज़ थायजाइड लाइक डायुरेटिक, ये थायजाइड लाइक डायुरेटिक्स है। इसका ब्रांड नाम देखें, थायजाइड, टेलमीसेट सी टी, टेलजा सी एच, एमोलवेस सी एच, इसका ब्रांड नेम है। इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H11Cl(N2O4). एस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 338.8 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ वाइट टू येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट और येलोइश वाइट यानी हल्का वाइट और पीला क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, सॉल्युबल इन मेथेनॉल, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। और स्टोरेज इसका, स्टोर्ड इन बिल क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्राम लाइट। इसको बिल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और इसको लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, थायजाइड डायुरेटिक्स आर टाइप ऑफ डायुरेटिक्स अ ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन फ्लो, ऐसी ड्रग जो कि ये यूरिन के फ्लो को यानी बढ़ा देता है। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी एंड प्रमोट डायुरेसिस, ये डायरेक्ट किडनी पे एक्ट करके ये जो पेशाब है उस यूरिन का फॉर्मेशन जो पेशाब बनने का बनता है उसको ये बढ़ा देता है यानी यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। बाई इनहिबिशन द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर लोकेटेड इन द डिजिटल कनुलेटेड ट्यूबुल ऑफ द ऑफ आ नेफ्रॉन, ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट कर देता है DCT जो कि ये डिजिटल कनुलेटेड ट्यूबुल पे
लोकेटेड होता है, स्थित होता है, ये नेफ्रान का पार्ट है, या नेफ्रान में जो DCT है उस पर वहाँ पे लोकेटेड होता है सोडियम क्लोराइड एको ट्रांसपोर्टर, तो ये उसी को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। यूज़ सेम है हाइपरटेंशन, एडिमा, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, ग्लोकोमा एट्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरगैलेसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, सल्फोनामाइड एलर्जी यानी सल्फोनामाइड लाइक एलर्जी, जैसे क्या स्किन पे रेसेस वगैरह हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड एलर्जी हो जाती है। बेंजोथायजाइड देखते हैं, इट इज़ ए एन इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स, ये इंटरमीडिएट होता है थायजाइड डायूरेटिक का। और इसका ब्रांड नेम देखते हैं, यूकाटेग, डाईहाइड्रेक्स, डायूसेन, इडीमैक्स, एक्जना, फोवेन इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मेल्टिंग इसका जो मॉलिकुलर वेट है 431.9 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिकुलर फार्मूला C15H14ClN3O4 S3 इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। इट इज़ सॉलिड फाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड और फाइन यानी महीन छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर का होता है ये, इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एल्काइन सॉल्यूशन, स्टेबल इन बोथ लाइट एंड एयर, ये लाइट और एयर दोनों में स्टेबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये इसका थायजाइड के सेम होता है कि उसमें क्या होता था कि ये DCT यानी डिजिटल कार्बोहाइड्रेट टेबुल पर एक्शन करके सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता था और अपना एक्शन शो करता था, तो वो इसी तरह सेम रहेगा। एडवर्स इफेक्ट, हाइपोकलेमिया यानी पोटेशियम की कमी हो जाएगी, हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस यानी जो क्लोराइड है वो कम हो जाएगा, मसल्स वीकनेस ड्यू टू फ्लूइड लॉस, क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा तो जो मसल्स है वो वीक हो जाएगी, ब्लड डायक्रियासिस लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, जो ब्लड जो कॉम्पोनेंट है वो घटेगा। तो रेयरली एलर्जिक रिएक्शन, रेयरली क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन शो करता है जैसे नाउजिया, वोमिटिंग, स्किन रेसेस एट्सेट्रा। मेटोलाजोलोन देखते हैं, अक्यूनोलिन सल्फोनामाइड दैट इज कंसीडर्ड आ थायजाइड लाइक डायबिटिक हुई आर लॉन्ग एक्टिंग सो यूजफुल इन क्रोनिक रीनल फेलियर। ये क्यूनोलिन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव कंपाउंड होता है जो कि थायजाइड की तरह एक्शन शो करता है, ये क्रोनिक रीनल फेलियर को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। ब्रांड नेम देखते हैं, जायरोक्सिलिन, माइक्रोक्स, जेंटिनेक्स, मेटेज इसके ब्रांड नेम हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C16H16ClN3O3S इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। मॉलिकुलर वेट इसका 365.89 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट है। इट इज़ सॉलिड ऑर्डरलेस टेस्टलेट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड ऑर्डरलेस टेस्टलेट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 256 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज देखते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी एंड प्रमोट डायूरेसिस बाय इनहिबिशन द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर लोकेटेड इन द TCT ऑफ आर नेफ्रान, ये सेम थायजाइड की तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस, मसल्स वीकनेस ड्यू टू फ्लूइड लॉस, ब्लड डायक्रियासिस लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेयरली एलर्जिक रिएक्शन शो करता है ये। जीपामाइड देखते हैं, जीपामाइड इज़ ए सल्फोनामाइड बेस्ड डायूरेटिक्स, ये सल्फोनामाइड बेस्ड डायूरेटिक होता है। इट एक्ट ऑन द DCT, ये डिजिटल कार्बोहाइड्रेट टेबुल पर एक्ट करता है। इन एडिशन दिस एजेंट हैज़ बिग इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या करता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देता है और अपना एक्शन शो करता है। ब्रांड नेम देखते हैं, एकाफोर, जीपामाइड ABZ न्यूट्री इसका ब्रांड नेम है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ब्लॉकेज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट लीड टू डिक्रीज कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द सोडियम कार्बोनिक एसिड का ट्रांसपोर्टर रिजल्टिंग इन रिड्यूस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर होता है तो ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा और अपना ये एक्शन शो करेगा।
प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C15H15ClN2O4S इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 354.8 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ एलोइस क्रिस्टलाइन पाउडर, ये हल्का येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। इसका इंसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज देखें, इट शुड बी स्टोर इन बेल क्लोज कंटेनर एंड रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्राम लाइट, इसको बेल क्लोज कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए जो इसको यहाँ पर इसको स्टोर करना है। लास्ट कंपाउंड स्पिरोलैक्टोन देखते हैं। स्पिरोलैक्टोन इज ए एन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड पोटेशियम स्पायरिंग डायुरेटिक, वाइडली यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ एडिमा एंड क्रियोसिस। स्पिरोलैक्टोन ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट होता है, ये पोटेशियम स्पायरिंग डायुरेटिक है जो कि एडिमा और क्रियोसिस यानी लीवर रिलेटेड डिजीज है उसको ये ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं, एल्डेक्टोन, बेल्टोन, लेसिलिक्टोन, स्पिनेक्टोन इसका ब्रांड नेम है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, पोटेशियम स्पायरिंग डायुरेटिक एक्ट टू प्रिवेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। पोटेशियम स्पायरिंग डायुरेटिक ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को जो कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको ये रोक देता है। ये दिस प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम इन यूरिन एंड डिक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है उसको प्रिवेंट कर देता है जिससे जो यूरिन है यूरिन के साथ में वाटर निकल रहा था वो डिक्रीज हो जाता है। टेंशन आप और यानी वाटर जो यूरिन के साथ में निकल आता है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनहिबिटर आप सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, और ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है। दे एक्ट बाय डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट साइट इन द नेफ्रॉन, और ये जो सोडियम को डिक्रीज करता है निकलने के लिए, ये जो नेफ्रॉन का हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे उसमें कई सारे था PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, तो ये डिफरेंट साइट पे एक्ट करके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ये रोकता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C24H32O4S इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 416.6 ग्राम पर मोल है। इट इज़ सॉलिड लाइट क्रीम कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड लाइट क्रीम कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। माइल्ड मरकैप्टन लाइक ऑर्डर, ये गैस होती है उसके तरह से इसका टेस्ट ऑर्डर होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 201 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 134.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साल्बोन इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथाइल एसीटेट एंड एथेनॉल, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटेट एथाइल एसीटेट एंड एथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ये इसका स्टोरेज देखें, इट शुड बी स्टोर्ड इन बेल क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्राम लाइट, इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। इसकी डोज की बात करें तो 25 mg 2-4 टाइम अबाई डे बाई माउथ, इसको 25 mg दिन में दो या चार बार देना चाहिए ओरल रूट से। एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो नाउजिया, वोमिटिंग, ड्राजीनेस, नाउजिया यानी उल्टी ऐसा वो पलटी होगी, जी मितली होगा, ड्राउजीनेस यानी हल्का नींद आएगी, हिस्टिसम ये क्या होता है, अनवांटेड मेल पैटर्न, हेयर ग्रोथ, हान ऑफ वुमेन फेस चेस्ट एंड बैक। इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन के कारण होता है, इसमें जो वुमेंस होती हैं महिलाएं होती हैं उनके फेस चेस्ट एंड जो बैक पोर्शन पे क्या होता है हेयर अनवांटेड हेयर बढ़ने लगता है यानी बाल उगने लगते हैं। और गायनेकोमेस्ट्रिया ये क्या होता है, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। इसमें क्या होता है जो मेल होते हैं उनके ब्रेस्ट पे स्वेलिंग आ जाती है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।